गाइस अब इंतजार है बस का, जैसे ही बस आती है उसमें हम लोग चढ़ते हैं। और यहाँ की एसी वाली बस है पूरी 100% इलेक्ट्रिक। तो गाइस अभी तो हम लोग पहुँचे हैं नौका विहार और माहौल यहाँ का भी बहुत ही अच्छा, लोग भी बहुत ज्यादा हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस और मोटर बोट, तो अब एक्सपीरियंस लेते हैं और ऐश करते हैं। पानी में डर लग रहा है, जल्दी चलो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम लोग सब लोग घर वाले जा रहे हैं गोरखपुर की टूर पे, क्योंकि आज आखिरी दिन है मेरा इस घर में, उसके बाद मैं चल जाऊंगा कल अपने घर। और यही देखो भैया भी है सामने और बच्चे भी हैं यहाँ पे। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग मॉल, ओरियन मॉल एंड गोरखनाथ मंदिर। तो चलो चलते हैं हम लोग, उससे पहले इस फैमिली से जुड़ जाना, नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। गाइस अब इंतजार है बस का, जैसे ही बस आती है उसमें हम लोग चढ़ते हैं। और यहाँ की एसी वाली बस है पूरी 100% इलेक्ट्रिक। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी अगर रास्ते में दिखती है तो मैं दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखेगी तो बस में जब चढ़ेंगे तभी दिखाऊंगा। अभी कुछ दिन से यहाँ पे लगा है खेलो इंडिया महोत्सव, ऐसे गेम्स है, तो यही देखो यही लगा है। 3 लोग हैं, बच्चे का भी लेंगे क्या? 40 रुपया दीजिएगा बैठिए। अरे बच्चे गोद में बैठेंगे। अरे महाराज 30 रुपए ले लीजिए और क्या। 40 कैसे, 30 लीजिए। अरे 30 ले लीजिए भैया, बताइए तो वही मैं सोच रहा था कब से आऊंगा यहाँ पे खेलो इंडिया में, तो आज आ गया लेकिन पता नहीं लगा हुआ है कि नहीं। चलो उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है, 4 डिस्ट्रिक्ट में, अभी मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन। तो उत्तर प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट में लगा है, जो गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, गोरखपुर और एक वाराणसी है। तो उसमें से गोरखपुर में हम लोग के लगा ये देखो गेट, पता नहीं आएगा कि नहीं, अभी मैं दिखाता हूँ। गाइस इस बार आया तो ये देखो यहाँ पे अब पूरा ये लाइन फूड कोर्ट का था, पहले ये रास्ता है था, अब ये फूड कोर्ट का हो गया, ये देखो पूरा। तो और खेलो इंडिया लगा भाई, ये देखो यहाँ पे ही लगा गोरखपुर में, अगर अच्छे दिख रहा हो देखो खेलो इंडिया गर्व से गौरव 3 जून तक यहाँ पे रहेगा, लेकिन अभी कुछ दिख नहीं रहा, पता नहीं किस जगह है, शायद से उस जगह पे हो, अभी देखते हैं। और अभी चलते हैं अंदर, सब लोग का तीखा रहेगा। अरे बहुत तीखा खाने का शौक है इनको। अब ये मिर्ची खाएंगे ना, पानी देंगे तो पानी नहीं मिलेगा तीखे के बाद। तो गाइस अभी तो हम लोग पहुँचे हैं नौका विहार और माहौल यहाँ का भी बहुत ही अच्छा, लोग भी बहुत ज्यादा हैं और हम लोग की पूरी फैमिली इधर चलती हुई। चलो अंदर चलते क्योंकि यहाँ पे रात के समय भी इतना बढ़िया हवा चल रहा है, क्या बताऊँ। तो वहाँ का सीन मैं आपको दिखाता हूँ, लाइटिंग देखो अभी खास नहीं दिख रही होगी, अंदर चलते हैं। देखो भाई 60 रुपए है उसका मोटर बोट का, लेकिन मोटर बोट नॉर्मल चलेगा, इसी वजह से अभी ये लोग उस कंफ्यूजन में, कौन से में जाना है, कुछ डिसाइड है। स्पीड वाले में मोटर वाले में पक्का, स्पीड वाले में गाइस। चलो मोटर वाले में चलते हैं, कमेंट करके बताइए मोटर वाले में चलते हैं। हाँ पचास लगा देते ठीक रहता, लेकिन अब चलिए हो गया गाइस 5 टिकट। तो हेलो गाइस, बे यार तुम्हारा पैसा गिरेगा, ओके यार ये करवा दो। कहाँ
ये वही बापू वही वो नदी में कर लेता। चलो पहली बार मोटर बोट पे बैठ रहे हो? पहले बैठ चुके? पहली बार बैठ, मैं चार बार बैठ चुकी हूं। साइकिल में भी आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा अगर जाएंगे तो? आप एक्साइटमेंट तो गाइस चलो चलते हैं अंदर और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखो यही है मोटर, इसी में जाएंगे गाइस। एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आप लोग भी आए तो जरूर आना, यहाँ पे बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस और मोटर बोट, तो अब एक्सपीरियंस लेते हैं और ऐश करते हैं। पानी में डर लग रहा है, चलते चलते जल्दी चलो। तो गाइस अंदर चले, बस मैं तो यार इधर बैठना था। एकदम सब लोग डर रहे हैं क्योंकि बोट हिल रही है, जल्दी आओ। अरे गिर रहा है दीदी, जल्दी आओ। झगड़ा शुरू, क्या मजा आ रहा है यार इस पानी को चूके। लेकिन इस पानी में क्या है किसी को क्या पता। ये ले बस बस, गाइस क्या मस्त व्यू आ रहा है, ये देखो। क्या हुआ परी? कौन? बिल्कुल गाइस, यार इतना घटिया लाइट है ना कि फोटो ही बढ़िया नहीं आ रहा। देख लो मेरा ब्लॉग में कैसा चेहरा होगा आपको पता ही होगा। पैडल सफर यहाँ हम लोग का खत्म होता है, आखिरी बार इस पानी को टच कर लिया जाए। गाइस सफर हमारा खत्म, लग रहा है जैसे कोई ब्रिज पे आ गए हम लोग। ये अंकल जी ने हमें बहुत अच्छा सफर कराया, ये देखो। चलो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत चलता रहा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एवरेज एवरेज। तुम्हारा? मेरा भी गाइस एवरेज था एक्सपीरियंस, क्योंकि धीरे चलाए उन्होंने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फिर आएंगे स्पीड बोट में। अभी कब ये देखो स्पीड बोट। अच्छा तो एच से तुम्हारा नाम है क्या? तो एच है ये तो। अच्छा यहाँ पे मत बैठो, अभी देख लेंगे पुलिस ये तो डांटेंगे। चलो तब खिंचवाओ सब लोग। हाँ बैठ गई है। गाइस मॉडर्न चीज इधर भी आ चुकी है, ये देखो। अभी तो मैं बाहर ही देखा था, यहाँ भी आ चुकी है। चलो बढ़िया ही है, यहाँ भी आ चुकी है तो हम लोग के उधर भी बहुत जल्दी ही आएगी। क्रीम रोल है गाइस, ये भी एक व्यू पॉइंट है, फोटोशूट पॉइंट है, बढ़िया है। लेकिन अभी रात का समय हो गया, मैं तो कुछ ऐसे फोटो आएगा ना, बाकी मैं अपनी फैमिली को खोज रहा हूँ कहाँ गए ये लोग, पता नहीं लग रहा। आगे पीछे है, पीछे फिर वो मिल ही गया। फिर ठीक है।
देखो गाइस ये लिया इन्होंने 70 रुपए का, लेकिन ये फिर ये महारानी जो है इसको तोड़ दी और पूरा 70 रुपए से 5 रुपए का हो गया। इतना ज्यादा पैसा बर्बाद ये लोग करवाते हैं ना, क्या बताएं। और अभी अगर टाइम बचा, अभी तो बज रहे हैं 10:10, तो टाइम हुआ तो चले जाएंगे गोरखनाथ, नहीं हुआ तो फिर हम आज का बस इतना ही रहेगा। चलो अब ब्लॉग घर पे ही एंड करेंगे, लेकिन अभी आपको एंजॉय कराते हैं कुछ और नजारे। तो देखो यार एक्सपीरियंस हम लोग का बहुत ही अच्छा, लोग का बिहार का बस बोटिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया रहा, इतना ज्यादा टिकट ही हो गया कॉस्टली। और ये जो सिटी बस है गोरखपुर की, ये कितनी खास है भाई, 22 रुपए में आपको लगभग चलो 10 किलोमीटर तो छोड़ देते 22 रुपए में, और फुल एसी है, 100% इलेक्ट्रिक है, तो क्या ही चाहिए। और आपको काश हमारे सिद्धार्थ नगर में होगा, जल्दी से जो भी वीडियो देख रहा है सिद्धार्थ नगर वाले शेयर जितना हो सके कर दो। और अभी ये सबको देखो, ये लाए तूर दिए सब, देखो मेरी बहन का, लेकिन तूड़े तो तुम ही हो गाइस। ये देखो टूटा हुआ है, इतना अच्छा इसी का आराम लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। बाय गाइस। तो यार आखिरी में अब हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, और यही आइसक्रीम लिया इन्होंने, और बच्ची बहनी हमारी सो चुकी है, तो अभी हम लोग आखिरी में आइसक्रीम खा रहे हैं क्योंकि पूरा मन भर चुका था गरम गरम चीज खा के, तो ठंडा चीज बहुत ही जरूरी है। चलो अब इस ब्लॉग का एंड करते हैं, नहीं सॉरी इस ब्लॉग को अभी एंड नहीं करेंगे, घर पे करेंगे। फ्रेंड्स तो आज हम लोग गोरखनाथ नहीं घूम पाए, सिर्फ और सिर्फ नौका विहार घूम पाए क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। तो आज आपको कैसा लगा, बढ़िया ही लगा होगा आई होप। बोटिंग की हम लोग ने पहली बार मैंने बोटिंग की, और पहली बार आज मैंने इलेक्ट्रिक बस में बैठा हूँ गोरखपुर के, या कहीं के भी इलेक्ट्रिक बस में मैं बैठा हूँ। तो आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना, और इस समय से नहीं जुड़े हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा देना। थैंक्स वॉचिंग एंड बाय।